हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइव टुगेदर ऑप्शन के बारे में। यदि आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब को यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे ही हम यूट्यूब ओपन करते हैं और प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो उसमें एक नया ऑप्शन आ रहा है, नया अपडेट आ रहा है जिसमें कि लाइव टुगेदर का ऑप्शन मिल रहा है। लाइव टुगेदर आगे न्यू लिखा हुआ। तो लाइव टुगेदर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशीनाथ यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशीनाथ यादव ऑफिशियल। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल काशीनाथ यादव ऑफिशियल में। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लाइव टुगेदर जो है एक तरह का लाइव ही है, जिसमें लाइव की तरह ही लाइव आया जाता है। जैसे कि आप किसी और के साथ लाइव आ सकते हैं, आपके लाइव में कोई और भी जुड़ सकता है। उसमें जोड़ने के लिए आपको लिंक शेयर करना पड़ेगा, उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, उसके बाद से आपके लाइव में जुड़ सकता है वो आकर के। आपका सब्सक्राइबर जितने भी रहेंगे वो उसको देख सकते हैं। जैसे आप कोलैब करते हैं किसी और के साथ, उसी तरह से आप किसी और के साथ लाइव कर सकते हैं। तो कोलैब करने वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कोलैब करने के लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करना, वॉइस रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो मंगाना, उसके बाद से मिक्सिंग करना, उसको एडिट करना, फिर बहुत ज़्यादा ही तामझाम और बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो उससे अच्छा है कि लाइव आओ और जिससे कोलैब करना है उसको लिंक शेयर कर दो, वो आपके लिंक पर क्लिक करके वहाँ लाइव में आपके जुड़ जाएगा। तो आपको पता हो गया होगा कि लाइव टुगेदर क्या है। जैसे लाइव टुगेदर आने से सभी को फ़ायदे हैं, कोलैब करने वालों के लिए भी फ़ायदे हैं और कोलैब नहीं करने वाले यानी लाइव आने वालों के लिए भी फ़ायदे हैं। क्योंकि लाइव आएंगे और किसी और को अपने लाइव में ऐड करेंगे तो उसके भी सब्सक्राइबर्स उसको देखेंगे, और किसी बड़े यूट्यूबर्स को यदि आप अपने लाइव में ऐड करते हैं, आपका फ्रेंड है या कुछ भी आपके रिलेशन से, तो आप उसको यदि अपने लाइव में ऐड करते हैं तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे या अदर दर्शक भी होंगे वो आपके वीडियो में ज़्यादा देर तक वॉच करेंगे, तो आपके वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़ेगा और नए नए लोग भी आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों लाइव टुगेदर क्या है इसके बारे में आपको तो पता चल गया होगा, अब कैसे उसको यूज़ करना है चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन पर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, यहाँ से हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। YouTube को ओपन करने के बाद से आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा है, उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ नीचे प्लस का आइकन जो शो हो रहा है, इस पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर पहले नंबर पर क्रिएट ए शॉर्ट्स और दूसरे नंबर पे अपलोड वीडियो एंड तीसरे नंबर पे गो लाइव का एंड चौथे नंबर पे गो लाइव टुगेदर जो न्यू दिखा रहा है और पाँचवें नंबर पे क्रिएट ए पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है गो लाइव टुगेदर को। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं गो लाइव टुगेदर पे। गो लाइव टुगेदर पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होएगा। देन आपको यहाँ पे क्रिएट ए टाइटल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक टाइटल डाल लेना है अपने लाइव का, जो भी टाइटल हो। टाइटल डालने के बाद से दूसरे नंबर पे आपको अनलिस्टेड का ऑप्शन है, इसमें आपको पब्लिश एंड अनलिस्टेड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप चाहें तो पब्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो अनलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे तीसरे नंबर पर लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप चाहें तो यहाँ से लोकेशन पर क्लिक करके जो भी लोकेशन डालना चाहते हैं लोकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद से चौथे नंबर पर यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो ऑडियंस पर नीचे क्लिक करके यहाँ पर एरो पे यहाँ मैड फॉर किड्स कर सकते हैं या फिर नॉट मैड फॉर किड्स कर सकते हैं, आपका लाइव जिस हिसाब से हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से पाँचवें नंबर पर यहाँ पे एज रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी वीडियो जैसी हो। उसके बाद इससे नीचे मोर का ऑप्शन है, तो यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ नीचे शेड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ से शेड्यूल आप चाहें तो कर सकते हैं इसको ऑन करके। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करके और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, तो शो लेस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे कोई भी एक टाइटल डाल लेते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे काशीनाथ यादव अपना नाम ही डाल चुके हैं। नाम ऐड करने के बाद से आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने ये कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होते ही आपका एक थंबनेल का फोटो यहाँ पे क्लिक करेगा, जो कि आप इसमें दे सकते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद से यदि आपको फोटो दूसरा चेंज करना है तो आप ये पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से रीटेक पे करके रीटेक भी यानी कि दोबारा से आप फोटो खींच सकते हैं, या फिर एडिट सेटिंग पे करके एडिट भी कर सकते हैं कुछ, या फिर सेटिंग्स पे क्लिक करके पीछे जा करके टाइटल वगैरह जो भी सेट करना चाहते हैं फिर से सेट कर सकते हैं, या नीचे तीसरे नंबर अपलोड थंबनेल पे क्लिक करके यदि कोई आपने थंबनेल बनाया है तो इस पर क्लिक करके थंबनेल को अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कॉपी इनवाइट लिंक का, तो आप अपने लिंक को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद से सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि व्हाट्सअप या किसी भी चीज़ से आप अपने फ्रेंड को जिसको इनवाइट करना चाहते हैं उसको लिंक सेंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सेंड इनवाइट लिंक पे क्लिक करके यहाँ से सोशल मीडिया पर जिनको भी लिंक सेंड करना चाहते हैं उनको भी सेंड कर सकते हैं, या फिर रीसेट लिंक पे क्लिक करके आप अपने लिंक को रीसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। एक बात आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, आप उन्हीं को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं जो आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका किसी से कॉन्टैक्ट है, आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए उससे पहले से, क्योंकि आप यहाँ पे लिंक को कॉपी भी करेंगे तो आपको उनके व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर ही शेयर करना पड़ेगा।
तभी वो उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। या फिर सेंड इनवाइट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको उनके व्हाट्सअप या फेसबुक या टेलीग्राम पर ही आपको लिंक सेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उन्हीं को इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पर, जिनसे आपकी कोई बात हुई हो या फिर जिनसे आपका कॉन्टेक्ट हो, तो उनको लिंक सेंड करने के बाद से यहाँ नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव का ऑप्शन आ चुका है। आप इसके बाद से इसमें जो राइट साइड में एरो का निशान है, इस पे क्लिक करके आप कैमरे को स्विच कर सकते हैं, पीछे वाला कैमरा चालू कर सकते हैं या फिर आगे वाले कैमरे को चालू कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैसेज का ऑप्शन है बीच में, जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं लाइव में। इसके बाद से थ्री डॉट पे क्लिक करके आप और भी सेटिंग्स इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद से गो लाइव पे क्लिक करके हम लाइव को यहाँ से चालू कर सकते हैं। और जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आधे में हमारा ऊपर का फोटो दिखा रहा है और आधा नीचे जो काला दिखा रहा है, यहाँ पे यदि आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उसका वीडियो यहाँ पे नीचे शो होगा, यानी कि आधा आधा में शो होगा। तो इस तरह से आप किसी और के साथ कोलैब कर सकते हैं। और यहाँ हम गो लाइव पे क्लिक कर देंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद से हमारा लाइव ऑन हो जाएगा यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि आप इस ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। तो हम यहाँ से एंड पे क्लिक करके कट कर देते हैं यहाँ से इसको। बाकी यदि आपके मन में कोई डाउट उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।